हाय एवरीवन, आज हम लोग जो है क्लास ट्वेल्थ फिजिकल केमिस्ट्री का अंतिम यूनिट जो है यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह पूरा चैप्टर जो है फुल्ली थियोरिटिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है, या है भी तो बहुत कम, और काफ़ी आसान चैप्टर है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यह चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रखता है। फुली थियोरिटिकल है, आसान है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है तो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री, इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े, केमिकल काइनेटिक्स पढ़े, सॉलिड स्टेट पढ़े, सॉल्यूशन पढ़े। तो जो सरफेस केमिस्ट्री देख रहे हो, मतलब ये भी केमिस्ट्री का एक सेपरेट ब्रांच ही है, और इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, तो सरफेस का नेचर और उस सरफेस पे जितने फेनोमेना हो सकते हैं, कुछ कुछ घटनाएं जो सरफेस पे ही होती हैं, उन सबों के बारे में अध्ययन करना है। तो सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द नेचर ऑफ सरफेस एंड द फेनोमेना अकरिंग ऑन द सरफेस। केमिस्ट्री का वह भाग, वह ब्रांच जो सरफेस के नेचर को बतलाता है। अब सारे सरफेस एक जैसे नहीं होते, आगे हम लोग देखेंगे, और उस सरफेस पे कौन कौन से फेनोमेना हो सकते हैं, इनके बारे में जो है स्टडी करते हैं हम लोग इस चैप्टर में। तो इसमें से अब सबसे पहला चीज आ जाता है सरफेस, कि आखिर सरफेस क्या होता है। तो डिफिनेशन तो हम लोग लिख करके रखे हुए हैं, एन इमेजिनरी बाउंड्री विच सेपरेट्स टू बल्क फेजेज, एन इमेजिनरी बाउंड्री विच सेपरेट्स टू बल्क फेजेज। देखो इस चैप्टर में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स ही आएंगे ना जिसके मतलब में पूरा डिफिनेशन ही रहता है। जैसे यहाँ आता है एक बल्क फेज, फेज का मतलब अवस्था, अलग अलग स्टेट बोला जा सकता है। ये बल्क का मतलब समझोगे ग्रुप, समूह। देखो एक होता है सिंगल फेज, एक होता है बल्क फेज। सपोज हम लोग किसी गैस को कंसिडर करें, एक कंटेनर है उसमें कोई गैस भर दे, सपोज ऑक्सीजन गैस, तो उस पूरे कंटेनर में जो ऑक्सीजन गैस है उसमें उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक बल्क फेज। लेकिन यदि उस एक सिंगल मॉलिक्यूल को कंसिडर किया जाए तो एक सिंगल मॉलिक्यूल को फिर हम लोग बोलेंगे सिंगल फेज। तो बल्क मतलब ग्रुप, मतलब एक से ज्यादा कंपोनेंट उसमें होगा। तो बोल रहा है कि जो सरफेस होता है ना, एक इमेजिनरी बाउंड्री होता है, इमेजिनरी काल्पनिक, रियल एग्जिस्टेंस इसका हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो एक इमेजिनरी बाउंड्री होता है जो दो बल्क फेजेज को सेपरेट करता है, मतलब अलग करता है। दो अलग अलग बल्क फेज हो, बल्क मतलब समझ रहे हैं हम लोग ग्रुप, नॉट सिंगल। तो दो बल्क फेजेज को सेपरेट करने वाला एक इमेजिनरी बाउंड्री कहलाता है सरफेस। फॉर एग्जांपल, जैसे व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड का ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका सरफेस है। एक्चुअली यह सरफेस नहीं है, ये तो हम लोग को दिख ही रहा है, जबकि लिखे हैं कि सरफेस एक इमेजिनरी होता है। ये जो पार्ट हुआ ना, यह पार्ट तो इस बोर्ड का है, इमेजिनरी नहीं है, तो रियल एग्जिस्टेंस है, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो फिर बाउंड्री क्या हुआ, तो बाउंड्री क्या हुआ, जैसे व्हाइट बोर्ड है, इसके बाद इधर से पूरा एयर शुरू है, ठीक। अब इसमें एयर के मॉलिक्यूल्स कहाँ तक हैं, यदि कोई पूछे तो क्या बताना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। एयर के मॉलिक्यूल जो है एकदम पूरा इसके जो ऊपरी सतह है इससे तो सट करके होगा ना, और जो एयर है गैसियस फेज का हुआ, ये जो व्हाइट बोर्ड है सॉलिड फेज का हुआ, दो अलग अलग बल्क फेज हुए, तो इसके बीच में एक वैसा कोई इमेजिनरी बाउंड्री है जो इस व्हाइट बोर्ड और इस एयर को सेपरेट कर रहा है, तो उस इमेजिनरी बाउंड्री को हम लोग सरफेस बोलेंगे। जैसे बोलचाल की भाषा में जनरली हम लोग समझते हैं कि यही जो है सरफेस है, तो ये सरफेस, ये अपर पार्ट हुआ इस व्हाइट बोर्ड का, जबकि लिखे सरफेस एक इमेजिनरी बाउंड्री है जो दो बल्क फेज को क्या करता है, सेपरेट करता है।
तो वह इमेजिनरी बाउंड्री मतलब रियल एग्जिस्टेंस उसका हम लोग नहीं पता कर पाते हैं। वही समझाने के लिए हम बताए कि एयर यहां से शुरू हो रहा है, तो उस एयर और व्हाइट बोर्ड के बीच एक वैसा इमेजिनरी बाउंड्री है जो एयर और इस व्हाइट बोर्ड को सेपरेट कर रहा है, और उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस। चूंकि इमेजिनरी है हम लोग देख नहीं पाते हैं, इसीलिए समझने के लिए मान लेते हैं कि यही जो है सरफेस है। तो यही सरफेस है, तो इस सरफेस इस व्हाइट बोर्ड का है, यही जो सरफेस है इस व्हाइट बोर्ड और एयर को सेपरेट कर रहा है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि यही सरफेस है। जबकि रियल मीनिंग देखोगे तो सरफेस एक इमेजिनरी होता है। वैसे ही मान लो कि वाटर है, तालाब में जो है पानी रहता है, तो पानी जो है लिक्विड फेज का हुआ, अब उसके ऊपर से फिर एयर शुरू है, तो फिर एयर और पानी के बीच का एक इमेजिनरी सेपरेशन है जो उस पानी लिक्विड लेयर और गैसियस लेयर को अलग कर रहा है दो बल्क फेज को, उसको वहां बोला जाएगा सरफेस। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है भाई? एडजॉर्प्शन क्या लिखें? द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड। इसको दो पार्ट में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यहां तक क्या लिखे देखोगे, द फेनोमेनन, फेनोमेनन मतलब घटना, एक इंसिडेंट, द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड। कोई सॉलिड या लिक्विड का एक सरफेस है, जैसे मान लें कि यह एक सॉलिड सरफेस है, ठीक मान लेते हैं हम लोग सॉलिड सरफेस है, और इधर मान लो कि ऐसे ये सभी जो है गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक इतना वॉल्यूम में है, सब गैसियस मॉलिक्यूल है, ठीक। अब क्या होगा कि ये सभी गैसियस मॉलिक्यूल्स जो हैं, मतलब गैसियस फेज में सारे मॉलिक्यूल्स हुए, वह एक बल्क फेज होगा, तो ये सभी जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, क्या होगा कि ये गैसियस मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पर अट्रैक्ट होंगे। मतलब मॉलिक्यूल जो अभी देख रहे हो, ये मॉलिक्यूल आकर के सब इसके सरफेस पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट होने का मतलब है कि सरफेस के साथ कुछ अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ऐसा। तो पहला बात यही हुआ कि किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना, और अट्रैक्ट होकर के वहां बने रहना, रिटेन मतलब वहां बने रहना, ये नहीं अट्रैक्ट हुआ फिर यहां से भाग गया, ऐसा नहीं। तो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का, जनरली गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स का सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर अट्रैक्ट होना, अट्रैक्ट होकर के फिर वहां बने रहना, रिटेन रहना, तो इससे क्या होता है, रिजल्टिंग इनटू हायर कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस देन इन द बल्क। तो जब मॉलिक्यूल जाकर के अट्रैक्ट होते हैं और रिटेन होते हैं सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर, तो ऐसा होने से उस मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन है वह अधिक होता है बल्क के तुलना में। क्या इसका मतलब हुआ जरा समझोगे, जैसे ये जो देख रहे हो इतने सारे मॉलिक्यूल, सपोज मान लें कि ये सभी अभी टोटल 50 मॉलिक्यूल्स है, मान लेते हैं हम लोग अभी 50 मॉलिक्यूल देखो इतना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम इसका इतना हुआ, और जब यही 50 मॉलिक्यूल्स जाकर के सरफेस पे जमा हो गए, तो अब देखो ये मॉलिक्यूल पहले के तुलना में कम जगह घेर रहा है, मतलब इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। तो कम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यहां इतना जगह में 50 मॉलिक्यूल, यहां इतना ही जगह में 50 मॉलिक्यूल, मतलब यहां वॉल्यूम घट रहा है, मॉलिक्यूल का संख्या तो सेम है, मास उसका सेम हुआ, बस वॉल्यूम घटा। तो कम वॉल्यूम पे वही मास है, मतलब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। सॉल्यूशन में हम लोग पढ़े हैं कि वॉल्यूम जितना कम होता है कंसंट्रेशन उसका उतना ज्यादा होता है। तो अभी इतना बड़ा वॉल्यूम में 50 मॉलिक्यूल्स है, जब ये सारे मॉलिक्यूल जाकर के सरफेस पे जमा होंगे तो क्या होगा कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन का मतलब समझ रहे हो ना, कम वॉल्यूम में उतना ही मॉलिक्यूल,
यहाँ ज़्यादा वॉल्यूम है 50 मॉलिक्यूल, और यही 50 मॉलिक्यूल यहाँ कम वॉल्यूम में है। कम वॉल्यूम में मतलब कि आप नज़दीक नज़दीक रहेगा, ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, ज़्यादा गाढ़ा रहेगा। अच्छा, तो अब इस पूरे डेफिनेशन को हम लोग एक साथ समझते हैं कि किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर गैसियस मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्ट होना और वहाँ बने रहना, जमा हो जाना, जिसके कारण उस मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन है सरफेस पर वह बढ़ जाता है। किसके तुलना में? तो ये बल्क की तुलना में, मतलब पहले से जो मॉलिक्यूल है एक बल्क हुआ, तो अभी जब जा करके यहाँ जमा होगा तो फिर जमा होने से इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे गैसियस मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्ट होना, वहाँ जमा होना, जिसके कारण उस मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन सरफेस पे बढ़ जाता है बल के तुलना में, तो इस घटना को, इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। बहुत ही कॉमन फेनोमेनन है एडजॉर्प्शन, जिधर नज़र घुमाओगे उधर एडजॉर्प्शन दिखेगा। जैसे दीवार है तो दीवार पर धूल गर्दा जो है जमा रहता है, तो एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल हुआ। पानी को खुला छोड़ दो तो पानी के सरफेस पे कुछ डस्ट पार्टिकल जमा हो जाएंगे, तो वो एडजॉर्प्शन हुआ। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, डस्ट पार्टिकल पड़ जाता है वहाँ जमा हो जाता है, तो वो जो है एडजॉर्प्शन हुआ। तो ऐसे एडजॉर्प्शन के कई एग्जांपल्स हैं, जिधर नज़र घुमाओगे एडजॉर्प्शन उधर दिखेगा ही। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है डेफिनेशन एक नंबर का कि एडजॉर्प्शन क्या है। अब इस एडजॉर्प्शन में देख रहे हो दो चीज़ का होना जरूरी है, पहला इस सरफेस का, और यह सरफेस किसका होता है, जनरली सॉलिड का या लिक्विड का भी हो सकता है। तो एक सब्सटेंस जो अपना सरफेस प्रोवाइड करता है और दूसरा सब्सटेंस जो जाकर के सरफेस पे जमा होता है, तो एडजॉर्प्शन के लिए ये दो चीजों का होना आवश्यक है। एक वह सब्सटेंस जो सरफेस प्रोवाइड करता है और दूसरा वह सब्सटेंस जो सरफेस पे जाकर के जमा होता है। तो जो सब्सटेंस सरफेस प्रोवाइड करता है, जो सब्सटेंस सरफेस प्रोवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट। और जो जाकर के वहां जमा होता है, जिसका एडजॉर्प्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट। तो ये दो टर्म यहां पे आए, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट क्या हुआ? तो वह सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस जो सरफेस प्रोवाइड करता है एडजॉर्बेंट कहलाता है। एडजॉर्बेट वह सब्सटेंस हुआ जो जाकर के एडजॉर्बेंट के सरफेस पे जमा होता है, एडजॉर्ब्ड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्प्शन के लिए दो टर्म्स, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट। जैसे सॉल्यूशन में दो टर्म्स होते थे सॉल्वेंट सॉल्यूट, उसी प्रकार से यहाँ हुआ एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट। याद रखोगे एडजॉर्बेंट जो सरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे दीवार पे डस्ट पार्टिकल चिपका तो दीवार को हम लोग बोलेंगे एडजॉर्बेंट, और जो डस्ट पार्टिकल जाके चिपक रहा है उस डस्ट पार्टिकल को बोलेंगे एडजॉर्बेट। समझ रहे हो? उसी प्रकार से पानी के सरफेस पर ऊपर में धूलकण जो है सो जा करके डिपोजिट हो जाता है, तो पानी जो है वहाँ पूरा कहलाएगा एडजॉर्बेंट जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, और डस्ट पार्टिकल जो जमा हुए वे कहलाएंगे एडजॉर्बेंट। इसी में एक होता है डीजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का उल्टा डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन, तो एडजॉर्प्शन का मतलब हुआ था कि मॉलिक्यूल का जाकर के सरफेस पे जमा होना एडजॉर्प्शन, और फिर ये मॉलिक्यूल जब यहाँ से हट जाएंगे तो डिजॉर्प्शन कहलाएगा। जैसे डस्ट पार्टिकल आकर के चिपके तो एडजॉर्प्शन, इसको फिर हम लोग ऐसे झाड़ के हटा दिए तो डिजॉर्प्शन। तो डिजॉर्प्शन करवाने के कई तरीके हैं, पहला कि टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाने से डिजॉर्प्शन होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा कि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल जमा है मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ेगा, और जब इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो फिर जिस फोर्स से जुड़ा हुआ है एडजॉर्बेंट के सरफेस के साथ वो फोर्स को ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करके फिर यहाँ से निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, डिजॉर्प्शन हो जाएगा। तो ऑब्जर्व करोगे एक चीज़ कि गर्मी के दिन में जो है ना वो दीवार पे कम डस्ट पार्टिकल डिपोजिट होते हैं, और ठंड के समय में ज़्यादा, क्योंकि ठंड के समय में टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो इसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल चिपकते हैं, और गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज़्यादा है प्रेशर कम है तो कम मॉलिक्यूल चिपकते हैं। हालांकि इमेजिन करोगे तो उल्टा लगेगा कि नहीं, गर्मी में तो ज़्यादा धूलकण उड़ता है, तो ज़्यादा धूलकण उड़ते हैं, चिपकते कम है,
क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस समय सिस्टम का, तो डिजॉर्प्शन करवाने का तरीका हुआ प्रेशर घटाओ या टेम्परेचर बढ़ा दो, तो ये सभी जो है डिजॉर्प्शन कहलाते हैं, जो कि एडजॉर्प्शन का उल्टा होता है। इसमें से ये सभी तो कॉमन से एग्जाम्पल हुए, कुछ इसका स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जो बुक्स वगैरह में होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो एक टर्म यहां आने वाला है चारकोल, अलग अलग प्रकार के चारकोल होते हैं, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल, ब्लड चारकोल, कोकोनट चारकोल, ऐसे कई प्रकार के चारकोल होते हैं, लेकिन मुख्य जो जनरली ऑब्जर्व करोगे बुक्स वगैरह में यही होते हैं। तो सबसे पहला कि ये चारकोल क्या होता है, तो देखो समझने के लिए समझ सकते हो कोयला। जैसे लकड़ी जब जलाते हैं हम लोग तो वह जलता है, बहुत देर तक जलाते रहोगे पूरी तरह से यदि वह जल जाता है तो राख बन जाता है, वाइट राख एस जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन एक इंटरमीडिएट वाला होता है कि उस लकड़ी को पूरा नहीं जला, जैसे घर में खाना वगैरह बनता होगा लकड़ी का चूल्हा पे, तो देखते होंगे कि लकड़ी को जला करके खाना बनाया गया, खाना बन गया तो उसको फिर बुझा दिया जाता है तो फिर काला काला मिलता है कोयला, उसी को हम लोग बोलते हैं चारकोल। मतलब लकड़ी या एनिमल या प्लांट का कोई मटेरियल जिसको बर्न करो, लेकिन कंप्लीटली बर्न नहीं करना है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जैसे वुड है, इसको मिनिमम ऑक्सीजन में जो है बर्न करो, हीट करो, बर्निंग, ठीक। कंप्लीटली देखो मिनिमम ऑक्सीजन लिखे हैं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दोगे तो कंप्लीटली बर्न कर जाएगा, राख बन जाएगा। कम से कम ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ हीट में जब लकड़ी को जलाओगे तो जो है बनता है कोल, जिस कोयला, या इसी को हम लोग जो है सो चारकोल बोल सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, चारकोल बोल सकते हैं। अच्छा अभी मिनिमम ऑक्सीजन क्यों दिया जाता है, इसलिए ताकि इस लकड़ी में जो वाटर का पार्ट है या फिर कोई भी वोलाटाइल मटेरियल, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो वोलाटाइल हो सकते हैं, तो ये सभी ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वहां से हट जाए और ये प्योर कार्बन का पार्ट बचे, जिसको हम लोग चारकोल बोलते हैं, मतलब प्योर कार्बन का पार्ट हुआ चारकोल। तो चारकोल कैसे बनता है, वुड को या एनिमल प्लांट का कोई मटेरियल जिसको मिनिमम ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली, तो चारकोल कार्बन का मटेरियल है। अब इसी में से जो अलग अलग है, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल है, ब्लड चारकोल है, कोकोनट चारकोल है, तो ये सभी क्या होते हैं। तो जैसे ही चारकोल बना, चारकोल कैसे बनाए तो हम लोग देख लिए, जब इस चारकोल को हीट करोगे 900 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर के प्रेजेंस में, चारकोल को जब इस टेम्परेचर के आसपास हीट किया जाता है वाटर वेपर के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, बनता है एक्टिवेटेड चारकोल। अभी एक्टिवेटेड चारकोल बनता है, इसका मतलब क्या अंतर हुआ चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल में, तो इस एक्टिवेटेड चारकोल में जो है ना पोर्स होते हैं, छिद्र, इसका इंटरनल पार्ट में ये सभी पोर्स हैं, छिद्र है, किसी इस छिद्र में किसी को ही एड्जॉर्ब कर सकता है, सोख सकता है। तो नॉर्मल चारकोल को जब 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास वाटर वेपर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एक्टिवेटेड चारकोल मिलता है। एक्टिवेटेड चारकोल मतलब चारकोल ही हुआ, इसके अंदर पोर्स होते हैं, केवल इंटरनल स्पेस, खाली जगह होते हैं, छिद्र होते हैं जो किसी को एड्जॉर्ब करता है। ब्लड चारकोल क्या है, तो ब्लड चारकोल को बनाया जाता है ब्लड का इवेपोरेशन करके पोटासियम कार्बोनेट के साथ, पोटासियम कार्बोनेट K2CO3 प्लस ब्लड इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के दरमियान जो है बीच में बहुत सारे प्रोसेस होंगे, जैसे इग्निशन माने जलाना, फिर इसका वॉशिंग, इसको वॉश कर देना, धो देना,
और उसके बाद जो रेसिड्यू बच जाता है चेयर्ड रेसिड्यू, इसको क्या किया जाता है, वाटर और HCl के साथ कंबाइन करके फिर से इसका इग्निशन करवाया जाता है। समझोगे क्या बोले, पोटासियम कार्बोनेट सॉल्ट है, सॉलिड मटेरियल, ब्लड के साथ मिला करके इवापोरेशन करेंगे, इवापोरेशन मतलब हीट करेंगे, इवापोरेट होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स इवापोरेट करेंगे, तो फिर जो मटेरियल मिलेगा उसका वॉशिंग करना है, वाटर वगैरह से उसको वॉश करना है, ती पूरा प्रोसेस। तो इसके दरमियान क्या होगा कि जब ब्लड को पोटासियम कार्बोनेट के साथ इवापोरेट करोगे तो जो चेयर्ड रेसिड्यू लिखे हैं, ये चिंगारी समझते हो ना, जैसे लकड़ी जलाते हैं तो जो उसका एकदम रेड हॉट पार्ट होता है इसको चिंगारी हम लोग बोलते हैं, या अंगार, चिंगारी नहीं उसको अंगार बोलो, हाँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेयर्ड रेसिड्यू। तो फिर उसको वाटर के साथ वॉश करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं और फिर थोड़ा सा उसका इग्निशन करते हैं, मतलब हीट करते हैं ताकि जो वोलेटाइल मटेरियल है उड़ जाए। तो ऐसे करके बनाया जाता है ब्लड चारकोल। उसी प्रकार से कोकोनट चारकोल नारियल से बनता है। तो नारियल ले लो, तो नारियल का एक ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको छील छाल के हम लोग हटा देते हैं, उसके बाद फिर उसमें एक आता है एकदम हार्ड सा, फिर उसको भी तोड़ के हटाते हैं, तब फिर नारियल खाने लायक होता है जिसको खाते हैं। तो ये जो बीच वाला पार्ट हुआ ना हार्ड सा, जिसको कि हटा करके नारियल को डायरेक्ट खा लेते हैं हम लोग, तो उसको जला करके बनाया जाता है कोकोनट चारकोल। तो ऐसे कई प्रकार के चारकोल होते हैं, और ये कोई भी चारकोल हो, ये सभी चारकोल जो है याद रखोगे काम करता है एडसॉर्बेंट का, ये सभी सरफेस प्रोवाइड करते हैं और ये एडसॉर्प्शन का काम करते हैं। इसी में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि नोट्स में है लिखा हुआ, मेन चारकोल यहाँ समझना था, जैसे एडसॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल, चारकोल के द्वारा गैस का एडसॉर्प्शन, एटमॉस्फेयर में जो गैस होते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह, वे सभी गैसों को एडसॉर्ब करता है चारकोल, अपने में सोख लेता है, तो वहाँ ड्राई मॉइस्चर हो जाता है, मतलब मॉइस्चर कम रहता है वैसे जगहों में। या फिर यदि कोई कलर्ड केमिकल हो, कलर्ड केमिकल, तो यदि तुम इसको चारकोल के ऊपर रखोगे तो इधर खाली तुमको केमिकल मिलेगा, कलर गायब हो जाएगा, क्योंकि यह जो कलर है चारकोल एडसॉर्ब कर लेता है। तो यदि कोई कलर्ड केमिकल है उसको चारकोल के ऊपर रखोगे तो चारकोल क्या करता है कि इसका जो कलर पिगमेंट है उस कलर पिगमेंट को अपने में एडसॉर्ब कर लेता है, फिर तुमको कलरलेस केमिकल मिलेगा, कोई भी केमिकल हो सकता है वैसे। उसके बाद सिलिका जेल, सिलिका जेल क्या है, सिलिका मतलब समझ लेना है बालू। तो देखते होंगे कि जहाँ बहुत ज़्यादा बालू होता है रेगिस्तान वाले इलाके में, वहाँ का एयर काफ़ी ड्राई होता है, गर्म हवाएं होती हैं वहाँ, क्यों, क्योंकि इस एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वाटर वेपर, उस वाटर वेपर को ये जो बालू होता है ना वो अपने में एडजॉर्ब कर लेता है। वही बालू को तुम खोद करके ज़रा नीचे जाओ तो ठंडा होते जाएगा, क्योंकि नीचे में मॉइस्चर है वो एडजॉर्ब कर लिया, इसलिए नीचे ठंडा है और ऊपर का हवा जो है ड्राई हो गया, मॉइस्चरलेस, इसलिए वह गर्म होता है। तो ये सभी कुछ एडजॉर्प्शन के जो है एग्जाम्पल्स हुए। अब जैसे हम लोग एडजॉर्प्शन पढ़े उसी प्रकार से एक टर्म इसमें और होता है एब्जॉर्प्शन। देखो दो टर्म हम लिखते हैं, एडजॉर्प्शन, दूसरा एब्जॉर्प्शन। हिंदी में एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं अवशोषण और एडजॉर्प्शन को बोलते हैं अधिशोषण। क्या बोलते हैं, अधिशोषण, क्या अंतर है दोनों में, सिंपल सा एक बात हम बताते हैं। एडजॉर्प्शन में भी हम क्या बताएं कि किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का कोई सरफेस पर जाकर के जमा होना, सरफेस पर केवल जमा होना, उसके अंदर नहीं घुस जाना। जैसे डस्ट पार्टिकल जब चिपकते हैं दीवार पे तो दीवार का सरफेस पे, उसको झाड़ो तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि दीवार के अंदर घुस जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वही मॉलिक्यूल जब उसके बॉडी के अंदर घुस जाए तब वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन।
सरफेस पे रहा तो एडजॉर्प्शन, बॉडी के अंदर घुस गया तो उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन। एक बेसिक सा एग्जांपल बताते हैं, पानी दो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, नहाने के लिए दूसरा पीने के लिए। नहाए जैसे पानी उझेल रहे हैं पूरा बॉडी पे, तो क्या हुआ, पानी जो है सरफेस पे ही रहता है, नहाने के बाद उसको टॉवल वगैरह से पोंछ दिए, हट गया वहाँ से खत्म। और जब पानी को पीते हैं तो बॉडी के अंदर चला जाता है, तो नहाने के दरमियान जो पानी का इस्तेमाल हुआ वो कहलाएगा एडजॉर्प्शन, जो हम लोग के सरफेस पे केवल रहता है, लेकिन उसी को जब पी लिए बॉडी के अंदर चला गया तो कहलाएगा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। याद रखना इसमें से केवल इस बी को, बी का मतलब याद रखना बॉडी, बॉडी मतलब बॉडी के अंदर यदि मॉलिक्यूल चला जाता है तो एब्जॉर्प्शन कहलाएगा, लेकिन यदि सरफेस पे रहता है तो फिर वो एडजॉर्प्शन कहलाएगा। तो ये एब्जॉर्प्शन का भी याद रखना, बी का मतलब बॉडी, कि बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो कभी कदाल क्या होता है कि ये दोनों फेनोमेना एक साथ होते हैं, एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। जैसे पैर को पानी में डुबा करके रखो तो क्या होगा, पानी जो है पैर का सरफेस पे रहेगा, पैर बाहर निकालो पोंछ दो खत्म हो गया। लेकिन वही पैर को तुम बहुत ज़्यादा देर तक पानी में डुबाए रखो, या देखते हो कि जब लोग खेत वगैरह में काम करते हैं या तुम कपड़ा धो रहे हो पानी के संपर्क में आकर के बहुत ज़्यादा देर तक, तो देखोगे हाथ या पैर जो पानी के संपर्क में है वो फूल जाता है। फूल क्यों जाता है, उसके अंदर पानी घुस जाता है। मैंने थोड़ा देर पानी में रखे तो तुम मॉलिक्यूल केवल सरफेस पर रहेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक तुम डुबाए रखे हो तो हम लोग का स्किन में तो पोर्स होते हैं ना, छिद्र, तो पोर के थ्रू जो छिद्र है होल, उसके थ्रू क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल अंदर जाने लगेंगे और फिर जो है सब फूल जाता है। फिर थोड़ा देर के बाद सूखे उखेगा पानी निकलेगा तो फिर नॉर्मल हो जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा देर तक उसको डुबाए रखे तो कुछ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर चले जा रहे हैं, कुछ सरफेस पे है, मतलब दोनों हो रहा है, सरफेस पे भी मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर भी जा रहा है। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हुआ। तो जब ये दोनों फेनोमिना एक साथ हों तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको, सॉर्प्शन। तो व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली इट इज कॉल्ड सॉर्प्शन, कि जब एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो तो यही क्या कहलाता है, सॉर्प्शन कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, बेसिक सब चीज़ हम लोग देख लिए इसमें, एडजॉर्प्शन सरफेस, एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेट, फिर एब्जॉर्प्शन चारकोल वगैरह। नोट्स में लाइन बाय लाइन है, पहले ही बता चुके हैं, फुली थियोरिटिकल चैप्टर है, बस लाइन बाय लाइन रटो और उसी से जो है काम हो जाएगा, एग्जामिनेशन में अच्छे से कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।